रेंजर टीवी इंडिया, ना धर्म ना जात, केवल सच के साथ। दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। यहाँ पे आपको किसी ने इनवाइट किया है? हड़ताल लगता हुआ है। नहीं नहीं, जैसे मेला लगता है अधिकतर तो कोई समिति वगैरह इनवाइट करती है अपने मेले के लिए जो वगैरह। हाँ, मतलब हड़ताल लगता हुआ है तो इनवाइट किसी ने नहीं करा। आप अपनी तरफ से लगा रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित बॉर्सन और आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया, ना धर्म ना जात, केवल सत्य के साथ। दर्शकों, आज हम उपस्थित हैं जनपद आगरा में स्थित विशाल अम्बेडकर नगर क्षेत्र, जहां पर आज एक मेला का आयोजन किया जा रहा है। मेले का आयोजन वैसे तो कोई समिति करवाती है, लेकिन यहाँ पर कोई समिति नहीं करवा रही है। तो आइए आपको लेके चलते हैं इस मेले के ग्राउंड में, और क्या क्या सुरक्षा के इंतजाम हैं यहाँ पर उनको भी आपको उजागर करेंगे। क्योंकि आजकल जिस प्रकार से जो घटनाएं घटित होती हैं, जो जहाँ पर सुरक्षा कम रहती है पब्लिक के लिए, उसको देखते हुए आज हम ये न्यूज बना रहे हैं। आइए लेके चलते हैं आपको। तो दर्शकों, आप लोग देख सकते हैं जो झूले लगे हुए हैं, झूले लगाने के भी नियम कानून होते हैं किस प्रकार से और कितनी दूरी पर लगने चाहिए और कितने ग्राउंड में लगने चाहिए। तो कुछ सुरक्षा के जो मायने क्या क्या हैं यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे हैं, और आइए जानते हैं झूलों के मालिकों से कि क्या क्या सुरक्षा के आपके इंतजाम हैं यहाँ पर। छोटा सा ग्राउंड दिखाई दे रहा है। आए दिन जिस प्रकार से ऐसे कार्यक्रमों में जो घटना घटित होती है, उसको देखते हुए आज हम यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इतना बड़ा झूला लगा हुआ है। सुरक्षा के आंकड़ों को देखते हुए जो लंबाई होती है झूले की, उसकी लंबाई के आसपास जगह खाली रहती है और यहाँ पे पब्लिक आपको रात को दिखाई देगी। और यहाँ झूले के मालिकों से भी बात करते हैं। आप देख सकते हैं ग्राउंड कितना छोटा है और कितने बड़े बड़े झूले लगे हुए हैं। आइए इन झूलों वालों से भी जानकारी लेते हैं कुछ। क्या नाम है आपका? साबिर। साबिर जी, जो आप इसके मालिक हैं? मालिक और कोई नहीं, कारीगर है। मालिक कहाँ है? यहाँ पे कितने सालों से लगा रहे हो आप झूले? तीन साल से। तीन साल साल से तो आपको किसी ने इनवाइट किया आपको यहाँ पे के अपनी सतह बता भाई? मैं मेला है, हर साल की तरह लगता हुआ है मेला तो लगता है। मतलब यहाँ पे आपको किसी ने इनवाइट किया है? नहीं, हर साल लगता हुआ है। नहीं नहीं, जैसे मेला लगता है अधिकतर तो कोई समिति वगैरह इनवाइट करती है अपने मेले के लिए जो वगैरह। हाँ, मतलब हर साल लगता हुआ है तो इनवाइट किसी ने नहीं करा। आप अपनी तरफ से लगा रहे हैं। तो सुरक्षा की दृष्टि से देखते हुए यहाँ पर क्या क्या आपने पब्लिक की सुरक्षा के लिए रखा है? पब्लिक की सुरक्षा के लिए पानी वगैरह सब लगा रखा है। कोई पानी नहीं, जैसे कि आप जैसे झूला लगता है अगर बड़ा वाला, तो जितनी लंबाई होती है उसी के मुताबिक आसपास की जगह पे भी जगह खाली होनी चाहिए। तो आपने तो जगह है, जगह कहाँ है सब सके हुए हैं? तो छोटा सा ग्राउंड है, हड़ताल लगते हैं। तो मतलब किसी से परमिशन लिए या वैसे ही आपने? परमिशन है डीएम साहब की। डीएम साहब की परमिशन है। और जैसे आग वाग लगने के लिए जो होती है पानी वगैरह सब क्रम में उधर रखे हुए हैं, झूला लगा हुआ है। तो देखते हैं जिस प्रकार से जो मेले या भीड़ भाड़ के इलाकों में जो आग वाग लगती है तो क्या क्या सुरक्षा के वो है। तो आप देख सकते हैं जो झूलों के मालिक हैं उनके द्वारा ग्राउंड में आपको दिखाएंगे क्या क्या सुरक्षा के इंतजाम है यहाँ पर। तो जो झूले के मालिक है वो आए तो थे पर वो गायब हो गए, और यहाँ पर वैसे कोई इंतजाम नहीं है। तो आज की न्यूज आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम अपने देश और देशवासियों की सेवा कर सकें।
इसी के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं, नमस्कार।